अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग 10th का जो बोर्ड का पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे और विद कैलीग्राफी। ठीक है, हम लोग बोर्ड में उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, वो सब कुछ हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम सब लोग को पता है। बबल शीट वगैरह कैसे फिल करनी है, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है नज़म के अशआर और गज़ल के अशआर। ठीक है, तो जो नज़म के अशआर है उनका पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमने लिखा नज़म के अशआर की तशरीह, ठीक है, फिर हमने पूरा शेर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको बस हिंट दे दे कि भाई हम लोग ये वाला शेर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये शुरू वाले 2 वर्ड, ये आगे इसी तरह डैश डैश लगा दिया जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला शेर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिखना है नज़्म का उनवान, और इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हम लोग नज़्म का नाम लिख दें। अगर आप नज़्म का नाम लिख देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, नज़्म का उनवान लिखना ज़रूरी है और शायर का नाम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख के, अब यहाँ पर हमने नात का शेर लिया था तो हमने नात लिख दिया, और शायर का नाम है शान दानिशा तो हमने वो लिख दिया। देन हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है तशरीह से। ठीक है, तो उसमें ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ेरे तशरीह शेर में शायर कहता है, नेक्स्ट जो भी इसकी तशरीह बनेगी आप लोग वो करते जाएंगे। ठीक है, वो करने के बाद फिर हम लोगों ने पैराग्राफिक में लिखना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आके हम लोगों ने जब इसको ख़त्म किया ना, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये एक कोटेशन ऐड करनी है, शेर और या फिर कोई भी जो है वो कुरान की आयत और उसका तर्जमा वगैरह कुछ भी जो आप चाहें ना वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये शेर हमने ऐड किया। ठीक है, इसको भी मार्क कर, उसके साथ ये वाला जो साइन है ना ये ज़रूर लगाना है, अगर ये नहीं ना लगाएंगे तो ये काम ख़राब हो जाएगा, ये ज़रूर लगाना है। ठीक है, और इसकी लेंथ पे अगर हम आ जाएं तो इसकी लेंथ जो है ना वो 2 पेजेस होती है। ठीक है, 2 नंबर का शेर है तो आप 2 पेजेस लिख दें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसी का बी पार्ट है, गज़ल के अशआर की तशरीह। ठीक है, इसकी भी लेंथ जो है वो 2 पेजेस होनी चाहिए फॉर ईच शेर। ठीक है, एक एक शेर की 2 पेजेस होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अगर इसके 2 शेर अटेम्प्ट करने हैं तो दोनों की 2 पेजेस में कंप्लीट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 पेजेस ऐसे होंगे, एक पेज ये एक पेज नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने ना ये शेर लिखा। अब हम लोग लिखेंगे शायर का नाम। ठीक है, इसमें गज़ल का कोई उनवान नहीं होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ शायर का नाम लिखना है और हसरत मोहानी हम लिख देंगे और देन तशरीह हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसी तरह से सारा पैटर्न, और फिर हम लोगों ने इसमें ये वाला कोटेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, इसमें भी, और नेक्स्ट ये करते जाना है तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये है इकतबास की तशरीह। ठीक है, इसमें हम लोगों ने, क्योंकि आप सबको पता है कि दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये पहले ये थोड़ा सा बस ना शुरू के 2 लफ्ज़ और उसके बाद ये लगा के एंड के 2 लफ्ज़ लिख के, ताकि उसको आइडिया हो जाए हम किस वाले की अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तशरीह, फिर हमने हवाला मतन लिखना है, फिर ये सबक का उनवान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और सिंफ। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपने ये जो डॉट्स लगाने हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एक लाइन में होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। उसके बाद जो है वो ख़त कुशीदा अल्फाज होते हैं, तो वो इसी तरह आपने कॉलम्स बना के इनके, और फिर अल्फाज और मायनी जो है ना वो इस तरह लिखते जाने। देन फिर ये तशरीह स्टार्ट हो जाती है, तशरीह लिखने के बाद तकरीबन इतनी, तो ये आपने एक कोटेशन ही ऐड करनी, कोटेशन आपने कोशिश कीजिएगा हर पेज में 2 कोटेशंस हो, या मिनिमम एक कोटेशन तो ज़रूर हो हर पेज में ना। ठीक है, तो ये जो है ये फिर कोटेशन आ गई इसकी, और जो इसकी लेंथ होती है वो फॉर ईच मिनिमम 2 पेजेस होती है, आप लोग 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपकी स्पीड तेज़ है, लेकिन ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पे, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, अगर आप एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपका पेपर रह जाएगा। इसलिए अगर आपकी स्पीड राइटिंग शुरू से ही तेज़ है ना तो आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो है सबक का खुलासा। अब इसमें हमने ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आया था तो हमने वो लिख दिया, फिर ये मुसन्निफ़, इसमें सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, शाहिद अहमद दहलवी हमने लिख दिया, और नीचे फिर इसका ना खुलासा लिखना शुरू कर देना है, और इसके ऑलमोस्ट कोई ना 2 पेजेस मिनिमम होते हैं, बिल्कुल ही मिनिमम होते हैं, 3 पेजेस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं और 4 पेजेस इनफ होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग 3 पेजेस तक ज़रूर इसको लेके जाएं,
बाकी आप लोगों की अपनी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो है मुख्तसर सवालात। इसमें आप लोगों ने यूं बुलेट्स बना देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर पेपर के ऊपर दिया हुआ है ना, आपने वही मेंशन करना है। अगर आप कोई और क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपने वो देना है, ठीक है। और नीचे उसकी मेन हेडिंग जो आपको लग रहा है बन रही है, वो लिख देनी है, और उसका आंसर लिख देना है, ठीक है, पेन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, मजमून नवेसी, ठीक है। मजमून के जो लेंथ होती है हमारे पास, वो होती है 7 पेजेस, ठीक है। 7 पेजेस होती है, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपना पेपर पूरा करना है तो 7 पेजेस पहले लिखें। और इसमें कोटेशंस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कोटेशंस काफ़ी ज़्यादा ऐड करें आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है तालीमी निस्वा, तो हमने इसमें ख़ास तौर पर पैराग्राफिंग जरूर करनी है। आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ, एक बात को आपने जो है वो अपना कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने कोटेशन ऐड किए, ठीक है, और देन फिर आप लोगों ने आगे स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये इसकी इसी तरह 7 पेजेस लिखने होते हैं। एंड देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 7, जो है तफहीम इबारत। और इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसको इबारत को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के फिर उसके आंसर्स को आपने लिखना होता है, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन हमें मिले होते हैं ना, उन उस पैराग्राफ में से हमने आंसर्स निकालने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन की मेन हेडिंग मकतूबे अलिया थी, तो आप उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें। और इसी तरह एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ, फिर इधर दूसरा, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा, ठीक है। ये सारा करके आपने अच्छे तरीके से ना इसको कर लेना। आप एक बार आप फिर ज़रा इसका ओवरव्यू ले लें कि ये पेपर आपका प्रेजेंट हुआ कैसा लगेगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी तरफ से जितना आपका पेपर अट्रैक्टिव होगा, आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के आपके चांस होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा गौर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इनफ। जज़ाकअल्लाह।